स्थिति यह है कि वो एक टाइम खाना भी खाने के लिए उनको सोचना पड़ता है। ये हमर गांव में थोड़ा ब्लैंकेट या स्वेटर लास्ट ईयर से किसी का शादी का मामला हो या मेडिकल का मामला हो या एडुकेशन का मामला हो और भी अगर विशेष तरीके से इस संस्था को जानना है। लोक जनकल्याण समिति से सेवा फ्री है। नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्रुप ऑफ इम्पैक्ट मीडिया द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स और BBC 24x7 में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, उत्तराखंड में हंस लोक जन कल्याण फाउंडेशन जिस तरह का कार्यभार अपने कंधे पर लेकर के की है, ये इतिहास गवाह है। ऐसा ही कुछ कार्यभार वो अपने पर्वतीय क्षेत्र में यहाँ हमारे सिलीगुड़ी दार्जिलिंग में और साथ में सिलीगुड़ी क्या करने वाली है, इसी से जुड़ा हुआ हमारे बीच एक संत महात्मा वैशाली बाई जी हैं। आइए उनसे समझते हैं और चीज़ों को कि उनके अंदर उनका क्या विचार विमर्श है और उनका जो फाउंडेशन है ये क्या यहाँ पे कार्य करने वाली है। बात और जानना चाहता है, यहाँ पे इस क्षेत्र में या दूसरे किसी भी क्षेत्र में जिसके पिताजी गुजर चुके हैं और उनके घर की आर्थिक हालत बहुत ख़राब है, स्थिति यह है कि वो एक टाइम खाना भी खाने के लिए उनको सोचना पड़ता है, तो क्या ऐसे बच्चों के लिए या ऐसे परिवार या ऐसे घरों के लिए भी आपका हंस लोक जन कल्याण समिति जो है कुछ कार्य करने के बारे में सोचती है? हाँ, सोचती है और सोचती ही नहीं है, वो तो कर भी रहे हैं। इसके अलावा और आपका क्या है दूरगामी जो है दूरदर्शिता प्लान? हमारा प्लान ये है कि ये जो हमारा सिलगुड़ी है, डुअर्स क्षेत्र है, मतलब कि मतलब पहाड़ है, जैसे दार्जिलिंग क्षेत्र है, वहाँ पर भी अब जैसे डुअर्स क्षेत्र के अंदर में आदिवासी लोग बहुत गरीब है, जैसे पहाड़ों में भी बहुत सारे चीज़ों के असुविधाएँ है, तो अब हमारा फाउंडेशन मतलब कि करने के लिए तैयार है, लेकिन सब लोग मिल करके आगे आए, मतलब हंस फाउंडेशन में जुड़िए और जब हंस फाउंडेशन में जुड़ेंगे तभी तो जा करके ये कार्य हो सकता है ना। इसके अलावा हमारे दर्शकों को आप और कोई संदेश देना चाहेंगे? तो हमारा संदेश यही है कि सारे दर्शक लोगों मतलब कि आगे आइए, हमारे हंस फाउंडेशन में जुड़िए। सेवा के साथ साथ हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान का भी प्रचार करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हमारा संस्था जुड़े हुए है, तो मैं सभी दर्शकों से मैं यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप लोग आइए, जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर मतलब कि सामाजिक सेवा के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान में भी जुड़ने से हमारा क्या है कि हमारे जीवन के अंदर में जो हमें बेनिफिट मिल जाता है। हमने जो ऑफलाइन वार्तालाप करी है और पता चला है कि आप सत्संग करवाती हैं, तो उस सत्संग में क्या अभी तक आप जिन समाज में जिन लोगों के बीच में किया है सत्संग, क्या वहाँ के लोग आपको रुचि लेते हुए दिखाई दिया? अवश्य दिखाई दिया है रुचि। अगर लोग आपसे जुड़ना चाहें तो इसके लिए कोई नंबर, कोई एड्रेस कुछ भी इस तरह का है आपका जो यहाँ पे निवास जो है यहाँ के लोकल स्थानीय निवास का जो एड्रेस हो तो आप बताना चाहेंगे? हाँ जी है, अवश्य हमारे अरुण भाई है और हमारा सुनीता गोयल बहन जी है। तो दर्शकों अब आइए, हमारे बीच और एक भाई हैं अरुण भाई जी, जिनके बारे में भाई जी ने बताया कि वो और एक दीदी हैं, उन लोगों का भी कुछ सहयोग और कुछ विचार है, सकारात्मक विचार है ये हंसमुख जन कल्याण समिति के विषय में। तो आइए एक बार मैं उनसे भी आपको रूबरू करवाता हूँ और संक्षिप्त में मैं जानता हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं और किस तरह का प्लान वो रखते हैं मन में। तो अरुण भाई आपका स्वागत है। नमस्कार। हम लोग हंस लोक जन कल्याण समिति से, जैसे हमारा माता जी जो भाई जी हैं जो हमारे सत्संग प्रचार होता है, तो इसमें हम लोग और कहीं अगर सत्संग प्रचार करना हो, कहीं बरसी हो किसी का या कहीं शादी ब्याह हो, तो सब लोग चाहते हैं जो संत महात्मा आके सत्संग प्रचार अगर करना चाहे कहीं भी, अगर हम लोग को ज़रूरत हो तो हम लोग को बोले तो हमारा महात्मा भाई जी को लेके जाके वहाँ सत्संग करा देंगे, उससे हम लोग कुछ सेवा नहीं लेंगे, निःशुल्क है, फ्री सेवा कोई होता है ना। आज की डेट में देखिए सब लोग देखिए बर्थडे हो गया तो वो लोग बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, तो हम लोग भी चाहते हैं नया सोच नया विचार। आज हम लोग बर्थडे में हम लोग इतना सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारा धूमधाम से पैसा खर्चा करते हैं, तो हम एक आदमी को एक मैसेज देना चाहते हैं, उसमें आप लोग एक बर्थडे के दिन में एक धार्मिक महात्मा भाई जी लोग को बुला के वहाँ पे सत्संग करा दीजिए, और या तो किसी का बरसी है, बरसी में भी अगर कोई ऐसा कोई पूजा पाठ हो वहाँ सत्संग कराना है तो वो भी हम लोग कोई पैसा नहीं लेते हैं, निःशुल्क हमारा हंस फाउंडेशन हंस लोक जन कल्याण समिति से सेवा फ्री है। और उससे अगर हम लोग को संस्था के लिए अगर आपसे जुड़ना है, अगर ये संपर्क करना है, तो आप हम लोग का नंबर ले लीजिए 9999890613,
और भी दो नंबर है जो हम आपको मीडिया भाई साहब को हम आपको दे देंगे, आप उसमें मेंशन कर दीजिएगा। एक बार नंबर और भी बोलिए ताकि हमारा दर्शक फिर से सुन ले। 9999890613। तो हमारे बीच एक और दीदी हैं। दीदी आप हमें यह बताइए कि इस क्षेत्र में आने का ये प्रेरणा कैसे आप लोगों को मिला, कहाँ से आप ये सोच आपके अंदर आया कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र डुअर्स में और सिलीगुड़ी के अंदर भी अपना हंसमुख फाउंडेशन को, जन कल्याण फाउंडेशन को लाना चाहिए, जो कि इतना अच्छा कार्य ऑलरेडी उत्तराखंड में कर चुकी है, जो इतिहास गवाह है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस विषय में संक्षिप्त में आप अपना परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे और कहाँ से शुरुआत होता है और आगे आप लोगों का क्या प्लान है। नमस्ते मीडिया भाइयों सबको, और मैं सुनीता गोयल, और मैं इसलिए यहाँ पे जुड़ना चाहा क्योंकि जो हंस लोक फाउंडेशन है वो जैसे आप सबको पता है उत्तराखंड में बहुत सारे काम किए, अभी भाई जी हमारे महात्मा भाई जी ने भी बताया, तो यहाँ पे जैसे उनका जो हमने देखा यूट्यूब में भी देखा सब है उनका वेबसाइट में वगैरह, तो देखने के बाद हमको ये लगा कि यहाँ पे भी जो जितने गांव है या कोई दुर्गम क्षेत्र सब कुछ है, बहुत सारे नीडी पर्सन है ना, तो हो सकता है कितने सारे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो लोग स्कूल नहीं जा सकते हैं या पढ़ा नहीं सकते हैं, जो लोग दिन का एक दिहाड़ी कमाते हैं और उनके अपने बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं पढ़ा नहीं सकते, तो उनको इन फाउंडेशन के द्वारा आगे बढ़ा सकते हैं, और प्लस हॉस्पिटल ये सब तो बहुत नीडी चीज़ें हैं गांव ठाव में, जहाँ भी जाओ हर चीज जगह पे, तो उन सब चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे लोगों से जुड़ेंगे, अच्छे सबको संदेश पहुँचाएँगे, तो सब अगर लोग हमसे जुड़ने लग जाएंगे तो क्या होंगे कि हम लोग भी उस दुर्गम क्षेत्र पे जाके ये सब कार्य हम कर सकते हैं, तो लोगों को हमारे साथ जुड़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि थोड़े से लोगों से तो कोई बड़ा काम होगा नहीं। देखिए हाँ, एक एक करके लोग जुड़ते जाएंगे, फिर हम लोगों को भी एक लगे, हमको कैसा पता चलेगा कि कौन सी जगह पे क्या चीज़ ज़रूरी है, हम तो हर जगह नहीं जा सकते, तो उन लोग हमारे साथ जुड़ेंगे जब, तो हमारे अगर कॉन्टैक्ट नंबर के हिसाब से या कुछ वो लोग अगर आप लोग के माध्यम से मीडिया के माध्यम से है ना हम लोग से जुड़ेंगे, तो हम लोग उन लोगों को जो परेशानी है ये सब है हम वहाँ तक पहुँचाएंगे, ताकि उनका दुख दर्द जो भी होगा वो सब सॉल्व हो और अच्छे से हो जाए, ताकि हम लोग को भी कोई अच्छा काम करने को मिलेगा और हम लोग भी जन कल्याण करने को मिलेगा। ये सब चीज़ें के वजह से मैं भी जुड़ी हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हमें एक बात बताइए हमारे दर्शकों को, अब तक आपका संस्था किसी भी किस्म का बीरा अपने कंधे पे उठा करके यहाँ के जन कल्याण को दृष्टिकोण से देखते हुए कोई मदद किया है क्या अब तक? हाँ जी किया है। तो क्या किया भी? एक छोटा सा हम लोगों ने किया है एक्चुअली विंटर में, हमारी संस्था ने, हम लोग ने नहीं, हमारी संस्था ने किया है, ये मोर गाँव में थोड़ा ब्लैंकेट या स्वेटर शॉल छोटी सी एक किए थे, लेकिन अभी हम लोग और भी करने के लिए सोच रहे हैं, और हम लोग मतलब उसके लिए हम लोग क्या है, लोग हमसे जुड़ना चाहिए क्योंकि हम लोगों के पास थोड़ा सा अभी होता है ना कौन सा गांव में क्या है कौन सा गांव में क्या है, उस तरीके से लोग हमारे पास हमारे कॉन्ट्रैक्ट में फ़ोन करें और हम लोग को ये चीज़ की ज़रूरत हो, उस चीज़ के लिए हम लोग तुरंत वहाँ पर उनके लिए हम सेवा के लिए तत्पर है हमारा संस्था। आखिरी सवाल, अगर आपको कहीं से ये पता चलता है, जैसे कि हम ऑलरेडी पहले एक बार ये सवाल कर चुका हूँ कि जिसका गार्जियन नहीं है, अभिभावक नहीं है, अब उसके घर में खाने की किल्लत है, लेकिन वो बच्चा पढ़ना चाहता है, जैसे कि बाल मजदूर तो सही नहीं है देश के दृष्टिकोण से और सरकार के दृष्टिकोण से, समाज के भी दृष्टिकोण से और इंसानियत के भी दृष्टिकोण से, तो उसको देखते हुए हमें उस बच्चे को अगर पढ़ाना हो तो क्या आपका संस्था ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे आएगी? जी हाँ, ज़रूर ज़रूर आगे आएंगे, ये सब तो हमारे संस्था ने बहुत सारे कर रखे हैं और बहुत सारे स्टेट में कर रखे हैं, यहाँ पे नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे अभी नए हैं, अभी हम लोग बस जस्ट यहाँ पे हमारे संस्था आए हुए हैं, तो अभी विंटर से किया शुरू किया जब ब्लैंकेट वगैरह ये सब से, मैं रिपीट कर रही हूँ आपको, और अभी हम लोगों को जहाँ जहाँ से हम लोग उसके लिए मतलब जा रहे हैं, हम लोग गांव गांव जा रहे हैं, जैसे पाखराकोट में भी हमारा टीम है और सिलीगुड़ी में है, अभी जैसे भाई जी ने हम लोग को बोला वहाँ सीदौड़ वगैरह में है, तो उन लोग जो जो प्रस्ताव रख रहे हैं हम लोग उन पर काम कर रहे हैं। अब तक
कितने कुल में सदस्यगण हैं आपके इस संस्था में, इस क्षेत्र में? अभी तक हमारे साथ 30-40 लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, 30-40 लोग सब मिला, एक्टिव मेंबर है, एक्टिव वो जो एक्टिव मेंबर है हमारे 30-40 आदमी जुड़े हुए हैं, प्लस और भी जुड़ रहे हैं जी। और हम लोग हर गांव में एक सर्वे कर रहे हैं जी, उस गांव में क्या चीज़ का ज़रूरत है, वहाँ पे क्या चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ हम लोग देख के फिर हम लोग अपना संगठन में जाके वहाँ पे भेजते हैं जी, इस गांव में ये चीज़ है, कहीं स्कूल में क्या प्रॉब्लम है, कहीं छाता की ज़रूरत है, कहीं रेनकोट की ज़रूरत पड़ेगा बरसात में, वो भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे हम लोग जगह जगह सर्वेस कर रहे हैं, जहाँ पे क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है वही चीज़ हम लोग स्कूल हो चाहे गाँव हो, और हम लोग गाँव गाँव बस्ती बस्ती ये प्रचार करते हैं सत्संग का। और उसी सत्संग प्रचार करते करते ही कहीं दिख गया जब यहाँ पे स्कूल का दिक्कत है, यहाँ कुछ बच्चे को पढ़ाई के लिए दिक्कत हो रहा है, खाता पेंसिल नहीं है, या जा रहे पढ़ाई करने के लिए पहाड़ में रेनकोट नहीं है, छाता नहीं है, तो जो जो चीज़ हम लोग को लगेगा जब यहाँ देने से है, तो हम लोग वो जगह भी हम लोग जाके। आपकी संस्था यहाँ पे कब से कार्यभार को संभाला है? लास्ट ईयर से यहाँ पे आए हुए हैं, तो हम लोग लास्ट ईयर से काम कर रहे हैं। हमारे दर्शकों को एक बात यह बताइए कि जैसे आपको कहीं से ग्राउंड रिपोर्टिंग मिलती है किसी भी दर्शक के माध्यम से या किसी जरिया से, किसी का शादी का मामला हो या मेडिकल का मामला हो या एडुकेशन का मामला हो, तो उसमें आप कैसे कार्यभार को आप करके उनको देंगे? हाँ जी, आपने राइट क्वेश्चन पूछा है ये क्वेश्चन। तो हम लोग जैसे कि क्या करेंगे, जो अगर हो सकता है जेनुइन जहाँ पे गांव में या कहीं भी नीडी पर्सन जो हो, जिसका आपने बोला शादी कराना, ये वो शादी का जो भी होगा बायोडाटा हम लेंगे वहाँ से, वहाँ के गांव से जो भी होंगे जिन्होंने हम लोग को कांटेक्ट करेगा आपके माध्यम से, हम नंबर देंगे। और अगर हम लोगों को उन लोगों ने कांटेक्ट किया तो हम लोग सर्वे करेंगे, उसके बाद उनके डाटा लेंगे, और डाटा लेने के बाद जैसे एक लोग कहीं आके बोलेंगे हम शादी नहीं कर सकते हैं, हमारे बच्चे का शादी करा दो, ऐसा तो नहीं होगा ना। सामूहिक विवाह होगा, जहाँ पे आसाम में अभी करवाया था 2-4 महीने पहले, वहाँ पे बहुत सारे सामूहिक लड़कियों को बच्चियों की शादी हुई थी, ऐसे ही सामूहिक विवाह वगैरह होंगे। लेकिन जो अगर अस्वस्थ होंगे या कोई पढ़ाई के लिए होंगे, ये सब हम डाटा मांगेंगे, डाटा सर्वे करेंगे, उसके बाद हम लोग उस पे काम करेंगे। हंसलोक जन कल्याण समिति, आप सुने समझे, और भी अगर विशेष तरीके से इस संस्था को जानना है तो उत्तराखंड के बारे में आप यूट्यूब में देखिए, उसके अलावा आप इसका वेबसाइट है उसको जांचिए, खंगालिए, समझिए, और फिर इस संस्था से जुड़िए, और जुड़ करके इस संस्था को मदद आप ऐसे कीजिए कि वाकई में जो नीडी पर्सन है आपके समाज में, आपके परिवेश में, आपके पाड़ा में, उनके बारे में आप इस संस्था का स्क्रीन पे नंबर दिया होगा वहाँ पे संपर्क कीजिए। यहाँ के संस्था के जो भी पदाधिकारी होंगे, इनके टीम मेंबर्स, वो वहाँ से जा करके जुड़ करके जांच पड़ताल करके अगर वाकई में वो व्यक्ति हकदार हो, जुड़े रहे हमारे साथ ऐसे ही अपडेट्स लेकर के। मैं पुनः फिर मिलूँगा आपके साथ, आप सबका दिन शुभ हो, धन्यवाद।